नहीं नहीं निकालते। हम लोग जा रहे थोड़ा बाहर, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप। थोड़ा बाहर गई थी, आके मैं बनाने जा रही हूँ। ये गोश्त निकाली, मैं पानी में रख दी इसको। प्याज है, काटूंगी। चावल है चूल्हे पे, आलू गोश्त का खट्टा सालन बना रही हूँ। इमली है, कच्ची इमली का, कच्ची इमली उबालने के वास्ते रख दी। इधर चाय बना ली, मैं चाय पीऊँगी। इससे पहले भी बताई थी मैं आलू गोश्त खट्टा सालन की रेसिपी। चलो चाय पी लेती, मैं चाय बना ली थी। हंडी बना ली मैं, कोथमीर, हरी मिर्चियाँ, टमाटर, प्याज वैसे मिक्स करी, तेल ऐड कर दी इसमें। चलो अब कुकर का ढक्कन लगा के हम चूल्हे पे रख देंगे। इसकी इमली का खट्टा निकाल लेंगे, अच्छी तरीके से उबल गई है, और आलू काट लूँगी मैं। सालन को अच्छी तरीके से भुनेंगे। कुकर के ढक्कन निकाल दी मैं, इसमें ऐड करूंगी आलू। आलू अच्छी तरीके से धो के रख ली थी इधर। कुकर की सीटी लगा दूंगी आलू गले तक। चलो आलू गल गए, अब मैं ऐड करूंगी खट्टा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खट्टा ऐड कर दी मैं, थोड़ा नमक कम था गैस, नमक भी ऐड कर दिया। मैं करिया पाक ऐड करूंगी इसमें। बनाई थी मैं आलू गोश्त का खट्टा सालन, वो भी कच्ची इमली का खट्टा, बहुत टेस्टी होता है। कच्ची इमली का सीजन है ना, तो कच्ची इमली का खट्टा खाना अच्छा दिखता है बहुत, जैसे सीजन में वैसा। चलो हम इसको पकने रख डालेंगे, उसके बाद दम पे रख देंगे, ठीक है। सालन दम होगा, चलो हमारा सालन तैयार होगा। आलू गोश्त कच्ची इमली का खट्टे का सालन।